अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो कर्फ्यू पास के ऊपर करेंगे कि आपने जो कर्फ्यू पास है वो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा तरीका है। एक एप्लीकेशन है यार, गवर्नमेंट ने ये मैंने की एप्लीकेशन आपको दी है तोकलना के नाम से। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप मैंने ये जो कर्फ्यू का पास है वो हासिल कर सकते हैं। अब आपने मैं पिछली एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करनी है और आपने इसमें अकाउंट कैसे बनाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो में आएँ। अब आपने अकाउंट बना लिया, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, उसके बाद आपने अकाउंट बना लिया। अब आपने करना क्या, सबसे पहले तो यार आपकी जो लोकेशन सर्विसेज है ना वो ऑन होनी चाहिए आपके मोबाइल में। उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को ऑन किया। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी जैसे मुझे पास मिला हुआ है, परमिटेड लिखा हुआ है, ऊपर ग्रीन कलर का ये शो हो रहा है। अब अगर आपको पास नहीं मिला होगा तो ये आपको रेड कलर का शो होगा। अब आपने फर्ज़ करें आपके पास पास नहीं है तो आपने अब लेना कैसे है? आपने नीचे परमिशंस है इसके ऊपर जाना है और आप देख सकते हैं कि जैसे अब मुझे पास मिला हुआ है तो यहाँ करंट परमिशंस में शो कर रहा है एक पास। लेकिन अगर आपके पास नहीं है अभी, क्योंकि मेरे पास तो है तो यहाँ शो कर रहा है, अगर आपके पास नहीं होगा तो यहाँ कुछ भी शो नहीं करेगा। आपने जो प्लस का निशान है इसके ऊपर क्लिक करना है, लेने के लिए सप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद एमरजेंसी सप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ नीचे डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। आपने यहाँ से डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी जहाँ आपने जाना है। फ़र्ज़ करें जैसे आपने यहाँ जाना है, कहीं भी जो भी आपका एरिया जहाँ आपने जाना है आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन है उसको दबा देना है। उसके बाद नीचे रिक्वेस्ट है परमिशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और दूसरी बात ये कि आपको बिल्कुल बहुत ही साइंस से परमिट मिल जाता है उसी वक्त जैसे आप इसके ऊपर, जैसे मैं देखें क्लिक करता हूँ ये आपको एक वार्निंग देगा मैंने कि आपने एक घंटे के अंदर अंदर आ जाना है, मैंने वो आपने पढ़ लेनी और आपने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं अभी जैसे मुझे परमिट नहीं अलाउ हुआ क्योंकि मैंने पहले से एक ले रखा हुआ है और आप एक दिन में सिर्फ एक ही परमिट ले सकते हैं तो इसलिए मुझे भी अलाउ नहीं हुआ। तो इस तरह आपने ये परमिट लेना है। जैसे अब मेरे पास तो शो हो रहा है परमिट क्योंकि मैंने पहले से ले लिया है। तरीका मैंने आपको बता दिया भाई, आपने अकाउंट बनाना है, इस एप्लीकेशन में आना है, परमिशंस में आना है और यहाँ प्लस के निशान के ऊपर आकर सप्लाइज के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद दो ऑप्शन ऊपर होते हैं सप्लाइज का और एमरजेंसी सप्लाई का। आपने एमरजेंसी सप्लाई में जाना है और यहाँ से डेस्टिनेशन पर आपने अपने जो डेस्टिनेशन है जहाँ आपने जाना है वो चूज़ कर लेना है मैप के ज़रिए और सेलेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। लेकिन अभी रिक्वेस्ट परमिशन मैं करता हूँ तो मुझे अभी वो नहीं परमिशन देता क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक कर्फ्यू पास जो है वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से, और ये आप देख सकते हैं मुझे परमिशन में जो है ये परमिटेड लिखा हुआ नहीं तो अगर, और ये रिमेनिंग टाइम भी आप देख सकते हैं कि आपको दिखा रहा है रिमेनिंग टाइम के इस टाइम से स्टार्ट हुआ, इस टाइम एंड होगा। तो ये तरीका था, फर्ज़ करें अगर आप कहीं जाते हो आपको पुलिस वाला चेक करता है तो आपको जो सामने QR कोड है इसके ज़रिए वो आपको चेक करेगा। तो ये तरीका था यार कर्फ्यू पास लेने का, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अकाउंट बनाना है, उसके लिए हमें पिछली वीडियो देख लें और इस वीडियो में मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप किस तरह कर्फ्यू पास ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।